आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस दी सब्सक्राइब बटन, प्रेस दी बेल आइकन, यू विल रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशंस। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री, आधा टुकड़ा दालचीनी, 2 इलायची, 1 लौंग, 4-5 काले मिर्च और जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 हरी मिर्ची कटी हुई, 1 अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, 3-4 लहसुन की कलियां कटी हुई, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए और कोफ्तों में डालने के लिए, 1.5 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काले मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 7-8 काजू, 1 बड़ा चम्मच मलाई या फ्रेश क्रीम, 3 टमाटर कटे हुए, 2 प्याज कटे हुए, 3 आलू उबले हुए, पनीर 250 ग्राम, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच तेल, 1 कढ़ाई में हम 3 चम्मच तेल डालेंगे। उसमें 2 तेज पत्ते, 1 आधा टुकड़ा दालचीनी, 1 इलायची बड़ी इलायची, 1 जावित्री, 2 हरी इलायची, लौंग काली मिर्च और जीरा, 1 चम्मच लहसुन कटा हुआ, आधा चम्मच अदरक कटा हुआ, 1 चम्मच हरी मिर्ची कटी हुई और प्याज, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 या 2 मिनट ही भूनना है प्याज को, हमें ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए हमारे प्याज रेडी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 7-8 काजू, इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टमाटर, इन्हें डाल के अच्छे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन से ढक देंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। हमारा मसाला बन रहा है, इतने हम कोफ्ते के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 बाउल आलू उबला हुआ, पनीर 1 बाउल, जितना आलू और पनीर बराबर क्वांटिटी में लेना है। इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, नट्स ऑप्शनल हैं, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, नमक और काली मिर्च पाउडर डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। हरा धनिया डालना है, अदरक और हरी मिर्ची थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डालिए। हमारा मसाला पक के तैयार है। अब हम इसमें 2 कप पानी के डालेंगे। और इसे हम वापस ढककर पकाएंगे। हमारे कोफ्तों के लिए मसाला रेडी हो चुका है। अब हम कोफ्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो गोल बना सकते हैं और चाहें तो इन्हें सिलेंड्रिकल शेप में बना सकते हैं, थोड़ा लंबा शेप में बना सकते हैं। अगर आपको कोफ्ते बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर नहीं मिले तो आप इसमें अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए हमारे कोफ्ता बनके रेडी हैं। एक कढ़ाई में तेल गरम करना है, तेल मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए और उसमें हम कोफ्ते तल लेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल इनके ऊपर डाल दीजिए और इन्हें साइड से हिलाते रहिए। बीच में ग्रेवी संभालिए। कोफ्ते एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, उन्हें पलट दें। हमारे कोफ्ता रेडी हो चुके हैं। ग्रेवी संभालते हैं। हमारी ग्रेवी बनके रेडी है। ग्रेवी को ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसमें से बड़ी इलायची, जावित्री, दालचीनी और हरी इलायची निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने सारे खड़े मसाले निकाल लिए हैं। अब इस मसाले को ब्लेंडर में डाल के हमें पीसना है। प्यूरी बनने के बाद इसे छन्नी से छानना है क्योंकि हमें स्मूथ पेस्ट चाहिए। अच्छे से इसे छन्नी से छान लें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पानी मिलाने की ज़रूरत है तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं। अब ये देखिए हमारा जितना भी हमारी ग्रेवी बन रही है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना है हमारा। इसे थोड़ी देर बॉईल करें। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे, 2 बड़े चम्मच क्रीम डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया डालेंगे। ग्रेवी में तेल आना स्टार्ट हो गया है। हमारी ग्रेवी बनके रेडी है। सबसे पहले एक प्लेट में कोफ्ता लगाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कभी भी कोफ्ते को ग्रेवी में ना मिलाएं। अगर आप कोफ्ते को ग्रेवी में मिलाएंगे तो हमारे कोफ्ते जो होंगे वो गल जाएंगे ग्रेवी में। तो हमेशा एक प्लेट सबसे पहले सर्व करने से पहले कोफ्ता रखें और उसके ऊपर ग्रेवी डालें। इसे हम गार्निश करेंगे, थोड़ी सी उसके ऊपर क्रीम डालेंगे। और धनिया की पत्ती लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए हमारे रेड ग्रेवी कोफ्ता रेडी हैं, हलाई कोफ्ता रेडी हैं। ये बहुत सॉफ्ट बने और यम्मी बने हैं। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कोफ्ता कैसे बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।